ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पोजर की फिलोसफी में एक बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच है जिसका नाम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच दिया गया है एंड द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एक्चुअली स्ट्रेस द कोलेक्टिव परपज ऑफ टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्वेक्ट्री एंड इधर डिनाइज और अटैम्प टू रिड्यूज कॉन्फ्लिक ऑफ इंटरेस्ट इन इंडस्ट्री जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है इसकी बेसिक फिलॉसफी या इसका जो अंडरलाइन जो आ, थेरी है वो क्या है वो यही है कि जहाँ पर भी एक अदारा होगा एक ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके अंदर एक कलेक्टिव अप्रोच अगर एग्जिस्ट करती है एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो उसके नतीजे के तौर पर जो कॉन्फ्लिक्ट कम होता चला जाएगा यानी तस्दम तो कम होगा और ख़ास तौर पर अगर एक ऐसी अप्रोच के साथ काम किया जाएगा चाहे वो किसी इंडस्ट्री में हो चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो उसके अंदर आम ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि जो अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा क्योंकि हो सकता है कि किसी भी एक ख़ास वजह कि के के सबब जो है कुछ ऐसे अन इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ जाए जो पहले से जिनको परसीव ना किया गया हो मसलन एक आम सी बात है कि बाजुकात नई टेक्नोलॉजी आती है और उस टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों की एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है यानी मशीन्स टेक ओवर कर रही हैं ह्यूमन बींग्स को अब इस सूरत हाल में वो लोग जिनकी जॉब्स को थ्रेट है उनको कैसे केटर करना है सिस्टम ने अब ये पहले से तो मैकेनिज्म मौजूद नहीं है जब सूरत हाल आती है तो सूरतेहाल सूरत हाल के मुताबिक ही कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं और अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास ये सलाहियत हो कि वो इस सूरत हाल को परसीव करके प्रॉपर मैकेनिज्म डिज़ाइन कर ले तो इस सूरत हाल में क्या होगा कि नेगेटिव इम्प्लीकेशन नहीं कम होंगी और ख़ास तौर पर जो तस्दुम है वो नहीं होगा या उसको कंट्रोल किया जा सकेगा तो इस सूरत हाल में ये देखा जा सकता है दैट कॉन्फ्लिक्ट क्लियर द एयर एंड अलाउज़ फॉर द फ्री बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ हॉस्टाइल डिस्पोजिशंस एंड दिस माइट बी थॉट ऑफ एज अ सोसाइटी वैल्यू थे सेफ्टी वैल्यू थेरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू विच सर्व्स एज एन आउटलेट फॉर hostilities, so that relationships between antagonists can be maintained. अब कॉन्फ्लिक क्या है जब जाहरी बात है सूरत हाल सबके लिए yaksa beneficial नहीं होगी तो इस सूरत hal में tasadum का होना natural है लेकिन तस्दम ह्यूमन रिलेशन को कैसे मैनेज करता है कि जिन लोगों के को शिकवा है जिन लोगों को प्रॉब्लम है जब वो अपनी बात का इजहार करेंगे तो अब वो लोग जिनके पास ये एबिलिटी है कि वो इस सूरत हाल को कंट्रोल करने का या मैनेज करने की एबिलिटी रखते हैं या उनका रोल ये है या उनके पास पावर है कि वो किस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं यानी कोजर के बकौल कॉन्फ्लिक्ट जो है दैट एक्चुअली इज़ लाइक विच क्लियर द एयर यानी जो भी हवा में जो मौजूद तनाव की कैफियत है जब वो कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होती है तो बेसिकली उसके बाद उस तस्दम के बाद मसाइल के हल के लिए एक मेकनिज़म जो है वो क्रिएट होता है ख़ास तौर पर विद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड अदर डेवलपमेंट्स हैव ग्रेटर इम्पेक्ट ऑन द ह्यूमन रिलेशंस। स्पेसिफिकली जहाँ पर लोग अपने मफादात के लिए काम कर रहे होते हैं लोगों का मकसद जॉब होता है वहाँ जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है तो वहाँ बहुत सारे सवाल आते हैं सो सच टू देयर इनसिक्योरिटीज अब उन इनसिक्योरिटीज को किसने हल करना है डेफ़िनेटली वहाँ पर जो यूनियंस हैं जो वर्कर यूनियंस हैं अब उनका रोल स्टार्ट होता है फिर उसके बाद उन लोगों का रोल शुरू हो जाता है जिन्होंने उस इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करना है या मैनेज करना है यानी हर सूरत हाल के लिए अगर सिस्टम के अंदर प्रॉपर मेकनिज़म है तो उसी तरीके से इंसानों से मुतक़ मसाइल को हल भी किया जा सकता है और जैसे जैसे ये मसाइल हल होंगे तो इसी तरीके से जो लोगों के जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं लोगों की जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं उनको भी ओवरकम किया जा सकता है और जब इन लोगों के इन, को ओवरकम किया जाएगा उनकी इनसिक्योरिटीज़ को तो इसका मतलब ये होगा कि सिस्टम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने का एक पोटेंशियल मेकनिज़म अवेलेबल था और उस, इसकी वजह से जो सोशल स्ट्रक्चर है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ़ एनी काइंड ऑफ़ सिस्टम उसकी उसकी ख़ूबसूरती ये थी कि उसने लोगों के अख्तलाफात को एडजस्ट किया लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया ताकि वो सिचुएशन जो है ना तो वो प्रिवेल करे और ना उस लेवल पर चली जाए जहाँ सिस्टम जो है उसको डैमेज हो यानी सिस्टम को डैमेज करने से बचाने के लिए जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है ये कोजर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी